आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री, और और का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। लोकल मार्केट वॉट डिफिकल्टीज अ कंज्यूमर फेस इफ देयर इज नो रिटेल सोप सो सो हमें इमेजिन करना है कि अब हमारी लाइफ लोकल मार्केट के बिना हो गई है सो so, हमें यहाँ पे बताना है कि अगर कोई रिटेल शॉप नहीं होगी तो हम कौन सी प्रॉब्लम को या कस्टमर कौन सी प्रॉब्लम को फेस करेगा सो so, उसको क्या करना है उसको हमें यहाँ पे बताना है सो सो रिटेल शॉप्स क्या होती है रिटेल शॉप्स वो शॉप्स होती है जहां पे हम जाके क्या कर लेते हैं सामान खरीद लेते हैं और रिटेल शॉप से ही क्या होता है रिटेल शॉप से ही लोकल मार्केट बनता है क्योंकि लोकल मार्केट में क्या होता है लोकल मार्केट में बहुत सारी रिटेल शॉप्स होती है और कस्टमर्स अपने कस्टमर को जो भी क्या होती है जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो उस रिटेल शॉप पे जाके सामान को खरीद लग, खरीद लेते हैं अगर यहां पे कस्टमर को जरूरत है कि उसको सूज खरीदना है तो वो शूज शॉप पे चला जाएगा अगर कस्टमर को जरूरत है कपड़े खरीदने की तो वो कपड़े की शॉप पे चला जाएगा अगर उसे ग्रोसरी का सामान लेना है तो वो ग्रोसरी रिटेल शॉप पे चला जाएगा सो so, इन रिटेल शॉप से ही कंज्यूमर क्या करते हैं सामान को खरीदते हैं और इन्हीं रिटेल शॉप से लोकल मार्केट बनता है सो so, अब हमसे कहा गया है कि हमें क्या करना है हमें इमेजिन करना है कि हमारी लाइफ अब लोकल मार्केट के बिना है तो एक कंज्यूमर कौन सी डिफिकल्टीज को फेस करेगा अगर कोई रिटेल शॉप नहीं है सो so, अब हम देखते हैं इसका आंसर सो कंज्यूमर बिल फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स

दिए गए प्रॉब्लम्स को यहां पे फेस करेगा अगर कोई रिटेल शॉप नहीं होगी सो so, वो कौन सी प्रॉब्लम्स है वो हम यहां पे देखेंगे सो so, जो फर्स्ट प्रॉब्लम यहां कंज्यूमर फेस करेगा वो है नो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ कॉमोडिटीज फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है नो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ कॉमोडिटीज सो कॉमोडिटीज की कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होगी सो so, अगर कोई रिटेल शॉप नहीं होगा तो कॉमोडिटीज की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी क्योंकि रिटेल शॉप क्या करते हैं रिटेल शॉप ही कॉमोडिटीज की सप्लाई करते हैं सो सो कॉमोडिटीज क्या होते हैं कॉमोडिटीज हो गए लाइक like, ग्रेन्स हो गया so, चीजें कौन बेचता है ये सारी चीजें रिटेल बेचते हैं और जब रिटेल ही नहीं रहेंगे तो हमें कॉमोडिटीज की कंटिन्यूस सप्लाई नहीं हो पाएगी सो so, ये है पहली प्रॉब्लम जो यहां पे अगर रिटेल शॉप्स नहीं रहेंगे तो कंज्यूमर फेस करेंगे नाउ सेकेंड प्रॉब्लम तो जो सेकंड प्रॉब्लम है वो है इट विल बी डिफिकल्ट टू हैव वाइड चॉइस टू परचेज वेराइटी ऑफ गुड्स सो जो यहां पर सेकेंड प्रॉब्लम फेस करेंगे कंज्यूमर वो है इट विल बी डिफिकल्ट टू हैव बाइड चॉइस टू परचेज वेराइटी ऑफ गुड्स सो विभिन्न प्रकार के गुड्स खरीदने के लिए जो हमारे पास चॉइसेस होती हैं वो क्या हो जाएंगे वो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे क्योंकि जब रिटेल शॉप्स नहीं रहेंगे तो हमारे पास क्या होगी हमारे पास चॉइसेस भी अब बहुत ही कम हो जाएंगे सो so, अभी हम क्या करते हैं अभी हम वेराइटी ऑफ गुड्स को खरीदते हैं और उसमें भी हमारे पास क्या होते हैं हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज होती है बहुत सारे चॉइस होते हैं सो so, तो जो जब रिटेल शॉप नहीं होंगे तो हमारे पास चुवास क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगी तो हमें क्या होगा हमें यहां पे ऑफ गुड्स परचेज करने में क्या होगी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी सो so, मान लीजिए अभी क्या है अभी अगर हमें कोई शॉप शॉप खरीदना है डेट मीन कोई साबुन खरीदना है तो उसके लिए क्या है उसके लिए हमें हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है अगर हमें टूथपेस्ट खरीदना है तो हमारे पास वेरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है सो अभी क्या है रिटेल शॉप्स है तो हमारे पास वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है अगर रिटेल शॉप्स नहीं होंगे तो हमें पास हमारे पास वही चॉइसेस क्या हो जाएंगी बहुत ही कम हो जाएंगी सो so, सो so यहां पे जो दूसरी प्रॉब्लम है वो कंज्यूमर जो कंज्यूमर फेस करेंगे वो यही है कि जो वेराइटी ऑफ क्या है वेराइटी ऑफ गुड्स है उसको परचेज करने में जो चॉइसेस होंगी उनमें क्या होगी उनमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी So, ये है सेकेंड प्रॉब्लम नाउ थर्ड प्रॉब्लम जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है नॉन एवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनलाइज्ड Services and credit facilities provided by retailers. सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनलाइज सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाई रिटेलर्स सो सो जब रिटेल शॉप नहीं रहेंगी तो जो पर्सनलाइज सर्विसेज होती हैं या जो क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं जिनको कौन देता है जिनको रिटेलर्स देते हैं वो भी क्या हो जाएंगी वो भी कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे सो so, वो पर्सनलाइज सर्विसेस क्या है सो so, वो पर्सनलाइज सर्विसेज है लाइक होम डिलीवरी सो अभी क्या करते हैं बहुत सारे रिटेल शॉप होम डिलीवरी की फैसिलिटी देते हैं सो so, इसमें कंज्यूमर को शॉप पे भी नहीं आना होता है वो क्या कर देते हैं वो घर से ही ऑर्डर कर देते हैं और यहाँ से वो क्या कर देते हैं यहाँ से वो होम डिलीवरी कर देते हैं सामान की साथ ही साथ जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या देते हैं वो क्रेडिट फैसिलिटी भी देते हैं तो बहुत सारे कंज्यूमर्स क्या कहते हैं बहुत सारे कंज्यूमर कैश में सामान को नहीं खरीद पाते हैं तो उनको वो इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटीज देते दे देते हैं क्रेडिट में सामान दे देते हैं बाद में आके वो क्या कर देते हैं पेमेंट कर देते हैं बट जब रिटेल शॉप नहीं रहेंगी तो ये सारी फैसिलिटीज जो अभी कंज्यूमर्स को मिल रही है फिर वो सारी फैसिलिटीज क्या होंगी उनको नहीं मिल पाएंगी सो so, ये है यहां पे तीसरी प्रॉब्लम जो कंज्यूमर्स क्या करेंगे कंज्यूमर फेस करेंगे नाउ फोर्थ फोर्थ प्रॉब्लम जो चौथी प्रॉब्लम है वो है कंज्यूमर बिल ऑल्सो मिस द आफ्टर सेल सर्विसेज सो so, जो यहां पे चौथी प्रॉब्लम है वो है कंज्यूमर बिल आल्सो मिस द आफ्टर सेल सर्विसेज सो कंज्यूमर आफ्टर सेल सर्विसेज को भी क्या करेंगे सो सो आफ्टर सेल सर्विसेज सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं so, मान लीजिए आपने क्या किया है आपने टीवी परचेज की है तो जब आपने टीवी परचेज की तो उसमें तब तो वो ठीक थी बट कुछ टाइम बाद उसमें क्या हो गया उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई क्योंकि टीवी क्या है टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उसमें क्या होते हैं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं सो so, अब आफ्टर सेल सर्विसेज में क्या होते है, में, यहां पे जो होती है वो उनको रिपेयर की फैसिलिटी देती है तो मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई या टीवी स्टार्ट नहीं हो रही है या किसी भी कारण बस उसके कुछ कंपोनेंट जल गए तो यहाँ पे रिपेयर की क्या दी जाती है रिपेयर की फैसिलिटी दी जाती है तो ये रिपेयर की फैसिलिटी देना क्या है ये आफ्टर सेल सर्विसेज है लेकिन जब रिटेल शॉप्स नहीं रहेंगी तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी नहीं दी जाएंगी सो so, सो so ये है यहाँ पे चौथी प्रॉब्लम जो क्या करेंगे जो कंज्यूमर फेस करेंगे सो so, यहां पे हमने वो सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर लिया है डिस्कस कर लिया है जब रिटेल शॉप्स नहीं होंगी तब कंज्यूमर्स को कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी होगी सो so, सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवेन क्वेश्चन क्लास सिक्स टू ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर